शराब पीने से कई लोगों की जान पर बनाई है। अब तक यहाँ बोटाद जिले के कई गांव के लोग जहरीली शराब पीने से अपना दम तोड़ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर पूरी तरह से शराब बंदी है। बस कुछ दिन की और बात है, ये हमारी शराब की फैक्ट्री कामयाब हो जाएगी तो हम लोग करोड़ों में खेलेंगे, करोड़ों में। और तुम्हारे इस खेल की वजह से वो जो गरीब मासूम लोग मारे जाएंगे उसका क्या? मरते हैं तो मरने दो, हमें तो अपनी शराब बेचने से मतलब है। और वैसे तू है कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह आलम। अरे आलम भाई, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत पड़ गई? इसका तो अब तक हमने पुलिस को पहुंचा दिया। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने पुलिस को उसकी मिठाई पानी देकर उसका मुंह बंद करा दिया, लेकिन ये बात मत भूलो, इस शहर में एक और रखवाला आ गया है। भले ही वो पुलिस की तरह वर्दी ना पहनता हो, लेकिन काम पुलिस से अच्छे करता है। कौन है वो? शहनशाह आलम। अरे आलम भाई, तुम्हारे बस की कुछ ना है, तुम घर को जाओ अपने। क्या बोला? मुझसे कुछ ना होगा? इतना लंबा शहनशाह आलम का? धोखे से अगर तेरे घर चला गया ना, महीने 5 ना लगने दूंगा, तेरी बहू बच्चा खिला रही होगी गोद में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा है? एक काम करो, इसकी साली की रस्सी छीनो और रस्सी से मारेंगे। आज सालों तुम्हें जान से मार दूंगा। क्यों बे? क्यों बे साले, दारू पी के लड़ाई झगड़ा करता है? इंस्पेक्टर साहब जरा तमीज से, वरना मैं भी माँ बहनों पे आ जाऊंगा। पुलिस वालों से मुजोरी कर रहा है और शराब पी के शरीफ लोगों से झगड़ा करता है तू? लेके चल थाने साले को। ये अंधा कानून है। सर वैसे आप के ड्रामा देखते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं देखता। तभी तो सर आपने मुझे पकड़ रखा, अगर देखते तो मुझे नहीं पकड़ते। हाँ हमें तो दिख ही नहीं रहा, तू लड़ाई झगड़े कर रहा, वायलेंस फैला रहा सब में। बस सर यही तो, कभी कभी जो दिखता है ना वो सच नहीं होता है। अगर आप के ड्रामा देखते ना तो सब समझ जाते। कैसे? लाओ सर फोन दिखाओ। सर सपोज करो एक लड़का होता जो पिस्टल चलाने में माहिर होता और वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, लेकिन सर एक रात उसकी पूरी फैमिली की बेरहमी से हत्या हो जाती है और मारने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सारा शक उस लड़के पर चला जाता है क्योंकि वो गन चलाने में बहुत ज्यादा माहिर होता। पर सर कोई अपनी फैमिली को क्यों मारेगा? अबे हाँ क्यों मारा बता। सर यही जानने के लिए तो आपको थ्रिलर मिस्टीरियस एंड रोमांटिक कोरियन के ड्रामा देखना होगा, जिसका नाम है डब्ल्यू टू वर्ल्ड सपार्ट। अबे ये कोरियन सीरीज है, हमारी समझ में कैसे आएगी? इसमें सबसे अच्छी चीज तो यही है सर, ये हिंदी में डब्ड है और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। ये सही है यार, लेकिन इसे देखूंगा कहाँ पर? सर नंबर 1 एंटरटेनमेंट Amazon मिनी टीवी ऐप पर अवेलेबल है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री, मतलब बिना पैसा खर्च किए देख सकते हो। और ऐसे ही नए नए शो हर हफ्ते रिलीज होते हैं इसमें, तो सर जल्दी डाउनलोड करो Amazon मिनी टीवी ऐप। ये तो बहुत बढ़िया है यार। सर अब तो मैंने इतनी बढ़िया चीज बता दी, अब तो छोड़ दो। छोड़ दूंगा बेटे, लेकिन पहले तुझ पे इंक्वायरी चलेगी, जब तक जिप्सी आ रही है तब तक इस खोखे में बैठ जाते हैं। यार सर मैंने तो कुछ करा भी ना। अरे सर छोड़ दो यार, देखियो मैंने तो कुछ करा भी ना, मैं तो उन शराबियों को मार के ही तो भगा रहा था, भलाई तो कर रहा था। यही तो तूने सबसे बड़ा अपराध करा है, आज के जमाने में किसी की भलाई करना सबसे बड़ा गुनाह है। अरे सर चलो अब जो हो गया वो हो गया, कुछ ले दे के निपटा लो। अबे ऐसा वैसा पुलिस वाला समझ जाए क्या? एक मारा ना सिर्फ लेता लेता हूँ, देने का काम नहीं है। अरे तो सर मैं कब उसे कह रहा हूँ, मैं भी तो लेता ही हूँ, देता ना हूँ मैं भी। मैं कह रहा हूँ कुछ पैसे ले दे के काम खत्म कर लो। अबे तो इतनी देर क्यों लगा रहा, वहाँ पे ही बता देता, ला दे कितने देर है। लाओ तो लाओ अपना फोन दो, मैं अपने बाबूजी को कॉल करूंगा, वही पैसे लेके आएंगे। हेलो बाबूजी। अरे यारो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ जरा।
क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, जो आपने मेरे बच्चे को शहंशाह आलम को गिरफ्तार कर रखा है? बाबूजी कुछ भी ना हुआ, मैं तो यहाँ बैठ के चाय पी रहा था, इन्होंने आके मुझे पकड़ लिया। साले पुलिस से गद्दारी एकदम बदल गया। वह तुम्हारा लोंडा शराब पी के शरीफ लड़कों से झगड़ा कर रहा था, उन्हें लूटने की कोशिश कर रहा, तब पकड़ा मैंने इसे। शहंशाह आलम, तुमने हमारी इज्जत को मुंह में मिला के रख रखा है, कहाँ तक नाक कटवाओगे हमारी? इंस्पेक्टर साहब, तुमने मुझे मेरे बाप से डरवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मिलना मुझे अकेले, तुम्हारी गाड़ मारूंगा। अरे सुतरी के पटापट बोले यार, एक पड़ गया ना। हाँ भाई बताओ, इसका करना क्या है? खून तो हमारा ये साहब, छोड़ना तो पड़ेगा। तुम्हारी कुछ मिठाई के पैसे। चला जा, और आज के बाद कुछ कर मत दिए। चल निकल यहाँ से, और साले दोनों बाप बेटे दीख मत जाइए। I don't know. बाबूजी, ओ बाबूजी, तेमन चोर। चुप चाहिए बंदर की जान। आपने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रखा है। ये जो इंसानियत का भूत चढ़ा है तुम्हारे सिर पे, लोगों का भला करने का, आज तक किसी का हुआ है? हाय, शहंशाह आलम बने फिरते हैं आप। किसी दिन हमें भी मरवाएंगे और हमारी बेगम साहिबा को भी मरवाएंगे। हाय, आई एम सो सॉरी बाबूजी, मैंने आपका दिल दुखाया। अरे दिल तो तुमने दुखाई रखा है, लेकिन तुमसे अच्छी तो हमारी छोटी औलाद है। भले ही सनी बाजी है, लेकिन आज तक सनी वाले काम नहीं करे। आई थैंक यू बाबूजी, आपने मेरी तारीफ की। अजी सुनिए ना, आप शहंशाह आलम की शादी करा दीजिए ना, क्या पता शादी के बाद सुधर जाए। हाँ बाबूजी, मॉम ठीक कह रही है, क्या पता शादी के बाद मैं सुधर जाऊं। आपकी शादी हम नहीं कराएंगे, इससे अच्छा तो हम सनी पाजी की शादी करा देंगे। एक बार फिर से थैंक यू बाबूजी। बाबूजी इस गलत फैमिली में मत रहना, वरना जिंदगी भर तुम पंचायत निपटाओगे, क्योंकि इसकी बहू को तो मैं निपटाऊंगा, क्योंकि सनी नपुंसक है। ओए शहंशाह आलम, नपुंसक हूं तो क्या हुआ? बाबूजी शादी के बाद साजिद माजिद तो दबा सकता हूँ। हम न पता ना क्या क्या सबने सजा रखे थे, क्या हमारे चोरी के कारोबार को शहंशाह आलम संभालेगा और उसका छोटा भाई सनी पाजी गल्लो संभालेगा, लेकिन सारे सबने चोर मोर हो गए। आज हमें आपकी शकल देखने में भी अपने आप पे गिल्ट फील होता है। चले जाइए यहाँ से। ठीक है बाबूजी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मेरे हिस्से की जायदाद मुझे दे दो, मैं आपको कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा अपनी। आ ले ले जायदाद, इतनी मोटी लटक रही है, आगे ले जा। बाबूजी आप शहंशाह आलम भैया को ऐसे नहीं जाने दे सकते। जाओ तो तू भी निकल जा मेरी आंखों के सामने से। जाने दो बाबूजी हमारे फलान से। गुड फैसला। अबे वो शहंशाह आलम कहाँ जा रही है? तुझसे मतलब, कहीं भी जाऊं मैं। क्या बात, बड़ा गुस्से में लग रही है यार। हाँ यार गुस्से में तो हूँ, क्योंकि मेरा बाप मुझसे कम, मेरे भाई सनी पाजी से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अपनी सारी जायदाद उसके नाम में कर दी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अबे तेरे बाप का कब से जायदाद आ गई, वो तो खुद फटी जा रहा है। जितनी भी थी उससे भी बेदखल कर दिया। चले काम कर, पत्ते खेल ले आ जा। शहंशाह आलम कभी जुआ नहीं खेलता, क्योंकि मेरे अंदर भी एक मैच्योरिटी है, मैं सिर्फ बैठ सकता हूँ। और भाई कैसे चल रहा है खेल? बढ़िया चल रहा है, अभी जीत रही हूँ जीतन दे भैया। ऊपर को तो देख ले, ऊपर से ऊपर को बाद में देखूंगा अभी। अगर तो ये मानना किंग तभी तो बनेगी। अबे जीत गया, पहले तो कहा था तू। बेटे तू नहीं सुधरेगा शहंशाह आलम। अबे यार ये हाथी का कद्दू फिर आ गया। अरे सर तुमने फिर गलत आदमी को पकड़ लिया यार। जब गलत ना है तू तो फिर भाग क्यों रिया? सर मैं इसलिए भाग रहा था क्योंकि। हाँ हाँ बता क्यों भाग रहा था? हाँ तो सर मैं भागने के। बता बता। अरे सर मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। बता तुम्हारी माँ का भुसलू।
वो तो कोई गलत काम है नहीं, तो इतना सब कुछ झेलना पड़ता। अगर गलत काम होता तो क्या होता। बाबूजी ठीक कहते थे, ये जमाना भलाई करने वालों का है ही ना। तो अब से ये शहंशाह आलम सारा भलाई का काम छोड़ देगा और अब शैतानी काम स्टार्ट करेगा। बाबूजी आप सही थे और मैं गलत। भलाई करने के चक्कर में मैं ये भूल गया कि लोग अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। मैंने जितनों की भी भलाई की, उन लोगों ने मेरी नलाई की। पुलिस ने मारा वो अलग। तभी मैंने सोच लिया बाबूजी अब किसी की भलाई नहीं होगी। अब ये शहंशाह आलम वो शहंशाह आलम नहीं रहा जो लोगों की मदद किया करता था। अब ये शहंशाह लोगों को लूटेगा। मैंने सोच लिया है भलाई का रास्ता छोड़कर मैं अपने बाबूजी का कारोबार यहां से यहां पहुंचा दूंगा। क्यों सनी, तू देगा मेरा साथ? मैं तो साथ देने तैयार हूं तुम्हारे बड़े भाई, लेकिन पहले बाबूजी से पूछ लो, कहीं तुम्हारा साथ देने के चक्कर में बाबूजी मुझे घर से ना निकाल दे। मेरी तो गाड़ पे बर्तन भी नहीं है। क्यों बाबूजी, क्या सोच रहा हूँ? अब वक्त आ गया है बाबूजी अपने चोरी के कारोबार को बढ़ाने का। दोगे मेरा साथ? हमें बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इंसान गलती की मूर्त है और जिससे गलती नहीं होती वो इंसान नहीं होता। हमारा दिल भर आया तुम्हें कमबैक देखते हुए चोरी के कारोबार में। बाबूजी आपकी लुल्ली बड़ी हो गई शायद, चुभ रही टांग में। बेटा बच्ची वाली बात मत करो, चलो। ओए भैया गाली क्यों रोक दी भैया? सहंसा आलम बेटा अभी तो चोरी की जगह 5 किलोमीटर दूर है, तुमने यहाँ कैसे रोक लिया है? वो देखिए बाबूजी कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं। अरे लड़की छेड़ रहे हैं तो छेड़ ले दो, आपके अंदर का सहंसा आलम फिर से जाग रहा है क्या? हाय अपना चोरी का मकसद मत भूलो सहंसा आलम, हमें अपना कारोबार बढ़ाना है। हाय नहीं बाबूजी, मुझे इस लड़की की मदद करने जाना चाहिए। भैया बाबूजी सही कह रहे हैं, मान लो ना इनकी बात। बाबूजी अगर ये लड़की तुम्हारी सेटिंग होती तो तुम क्या इन्हें छेड़ने देते? नहीं। तो फिर अब हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आज सहंसा बेटे इस लड़की की मदद करते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर सर लड़ाई हो रही है। बे ये तो वही शहंशाह आलम है, चलिए जरा भागते का सालो। तेरी साले तू नहीं सुधरेगा भाई, पहले तो शराब पीता था फिर जुआ खेलता था और आज तू इतना गिर गया एक लड़की को चढ़ लिया, अब नहीं बचेगा तू बेटे। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं, हमेशा की तरह आपने आज भी गलत एंट्री मारी है। आप गलत हैं इंस्पेक्टर साहब, और हमारा बच्चा बेगुनाह है और इस बेगुनाही की सबूत है ये लड़की। ए लड़की बताओ इनको सब सच। इंस्पेक्टर साहब अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी इज्जत लूट रहे। ये अंधा कानून है।